बाद में बनाने वाली हूँ नल्ली निहारी। तो नल्ली निहारी बनाना बहुत ही आसान है और ये हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है, घुटनों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले हम ये नल्ली ला के इसको साफ करके एक कुकर में रखेंगे और इसमें हमने थोड़ा सा गोश्त के टुकड़े भी डलवा दिए हैं, ये रहे ये सब। तो नल्ली के साथ ये सब डाल के कुकर में इसको पहले गला लेंगे। फिर इसमें एक चम्मच हल्दी डालेंगे, अरे नमक डालेंगे, फिर हल्दी और ये 4 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज, ये मोटे मोटे टुकड़े ऐसे काट लेंगे साफ करके और इसको इसमें डाल देंगे। इसमें सिर्फ हमने नमक और हल्दी डाला है और ये प्याज, नमक हल्दी प्याज, और उसमें पानी डाल देना है। नल्ली निहारी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी है, इसके लिए आप लोग भी इसका सेवन करें और घुटनों के तकलीफ में, घुटनों के दर्द में ये बहुत ही फायदेमंद है। दुबले पतले इंसान को 1 महीना लगातार खिला दिया जाए, उसके अंदर जान आ जाएगी, खून आ जाएगा, ताकत आ जाएगी। और इसको मैं अभी ढक के गैस पर रख दूंगी और इसमें कम से कम 10 से 15 सीटी आनी चाहिए। इसको पहले मैं ऐसे तेज़ आंच पर रख दूंगी, जब ये थोड़ा सा पक जाएगा फिर स्लो आंच कर दूंगी। ये स्लो आंच पर ही पकाने की चीज़ है, जिससे कि हड्डियों के अंदर की चीज़ें बाहर आ जाएं। हमने कुकर में रख दिया गलने के लिए और बाकी का मसाला हमने निकाल लिया है। एक प्याज काट के तलेंगे तेल में, फिर उसमें लहसुन अदरक ज़ीरा धनिया पाउडर लाल मिर्ची पाउडर हल्दी और ये काली मिर्च, ये सब चीज़ पीस के और प्याज लाल हो जाने पे हमको डालना है। तो इसको मैं पहले पीस के लेके आती हूँ। ये देखो मेरा मसाला इसके तैयार हो गया, इसमें हमने हल्दी और नमक मिर्ची सब ले लिया है। अब प्याज कटी हुई है, इसको मैं गरम तेल में डालूँगी। तेल के गरम होने प्याज लाल हो जाएगी तो इसमें मसाला ऐड करना है और इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी और डालूँगी इतना, ठीक है। प्याज लाल होने पर मसाला डाल दूँगी। ये देखिए मेरा प्याज लाल हो गई, इसमें हमने मसाला डाल दिया है। अभी अच्छे से भुना जाएगा तब इसको बंद कर देना है गैस को। अब इसको मैं स्लो, ये देखिए मेरा मसाला तैयार हो गया लगभग। अब इसको थोड़ी देर और भुनेंगे फिर गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए हमने कुकर को खोल दिया है, ये सब अच्छे से हड्डियाँ सब गल गई हैं, ये देखिए टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं सब। इसको बहुत अच्छे से गलाना है ताकि इसके अंदर का सारा माल बाहर आ जाए। ये देखिए सब टूट जा रहा है, टुकड़े टुकड़े हो जा रहे हैं, ये देखिए सब गल गया है एकदम से। अब इसके अंदर मैं मसाला डाल दूंगी, मसाला डाल के चला के और बंद कर देना है। 2 सीटी और आ जाए तो समझिए हो गया है। ये देखिए मेरा मसाला तैयार है, ये देखिए तैयार हो गया है। ये मैं इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी, कितना अच्छा सूप, गाढ़ा गाढ़ा सूप तैयार हुआ है इसका। इसका सूप हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये देखिए
ये देखिए मेरा नली नहारी चालू हो रहा है। ये देखिए ये मेरा नली नहारी चालू बन गया है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में बहुत टेस्टी है। और आप इसी तरह से बनाएं, इसमें हमने गरम मसाला नहीं डाला है क्योंकि गरम मसाला तो वैसे भी ये गरम चीज़ है ही और बिना गरम मसाले के ही ये इतना ही टेस्टी बनता है। मेन चीज़ तो है तो इसके अंदर हड्डियों के अंदर से जो पेवस निकलता है वो मेन होता है। वो हमने इतना गलाया, 1.5 घंटे तक हमने सीटी लगा के गलाया इसको, फिर मसाला डाला है और इसके लिए ये हड्डियों के अंदर की सारी ताकत निकल करके इस सालन में सूप में आ गया है। ठीक है, ओके। और एक बार आप हमारे तरीके से ज़रूर बनाइए, ट्राई करिए, देखिए बहुत अच्छा लगेगा। बनाइए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।